नमस्कार साथियों, मैं हूं अनीश कुमार और मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं सीपी स्मार्ट क्लासेस को, जिन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा में मुरादा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ और हाल ही में मैंने TGT 2016 जनरल रैंक 130 और LT ग्रेड जनरल रैंक 46 पर सफलता प्राप्त की है। आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा TGT PGT 2020 के लिए विज्ञापन आने की प्रबल संभावनाएं इस समय चल रही हैं, जो कि अक्टूबर माह में संभावित है। तो आप लोग जुट जाएं, बिल्कुल इस तरीके से जुट जाएं कि एक सीट अपनी उसमें पक्की कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता। लोग से जनाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन में बहुत ही दिन लगते हैं आने में, जैसे 2016 में आया था, उसके बाद ये 2020 में आ रहा है। तो आपको चूकना नहीं है, लगे रहना है और इसके लिए जो रणनीतियाँ हैं कि क्या करें और मैंने क्या किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। चलिए आगे हम बात करते हैं रणनीतियों की कि इस TGT PGT 2020 में किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को करें कि सफलता हमारे पास हो, सफलता हमें हमारे कदम चूमे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रणनीतियों पर, आपको क्या करना है और मैंने क्या किया था। देखिए, आपको गणित विषय के लिए स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ, PGT और PGT गणित। गणित 2016 की पेपर की अगर हम प्रकृति देखें तो वो प्रकृति बिल्कुल एकदम ट्रेंड से बिल्कुल अलग करके पेपर आया था। पेपर में जनरल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी पुटअप किए गए, उसकी संख्या भी 20 से 25 क्वेश्चंस थी, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में थी। कुल पेपर आपका 125 क्वेश्चंस का होगा, जो कि आपको 2 घंटे में सोल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 125 क्वेश्चन 2 घंटे आपके पास होंगे। इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, इस पर सबसे बड़ी बात, आयोग हर बार बदल देता है, लेकिन हमें अगर हम ज़्यादा फोकस अगर करें इस एग्ज़ाम पर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो एरिया है, वो है 12th। 12th का सिलेबस, 11th का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी पकड़ में होना चाहिए। 70-80% पेपर 12th और 11th से सेट होता है। 11th और 12th की रणनीतियों के लिए यदि हम कार्य करें तो हमें पुरानी जो मैथ्स की ओल्ड बुक होती थी, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली 6 बुक, अलग अलग जो सभी बुकें थी, वो बुक आप कहीं से भी अरेंज करें, उनसे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप यकीन मानिए, वहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे भी उठा के रख दिए जाते हैं, जो कि हमें पेपर में बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना है, ये 6 बुक ओल्ड बुक हमें ज़रूर करें। सबसे पहले अगर हम कंपटीशन की तैयारी TGT PGT की शुरू करने जा रहे हैं तो इन 6 बुक पर हम फोकस कर लें, अच्छे से कर लें इन्हें। इन्हें करने के बाद BSc का एक पोर्शन आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल में ज़्यादा जो पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से पूछा जाता है। उसमें 3 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप उसकी पूरी करेंगे, मैट्राइसिस आप उसका पूरा करेंगे और वेक्टर अलजेब्रा आप उसका कंप्लीट कर लें। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें एक टॉपिक होता है, उसे आप पढ़ लें। इतना कर लें BSc के पोर्शन से, आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 20-25 क्वेश्चंस BSc पोर्शन से पूछे जाते हैं 125 में, तो एक अच्छा वेटेज है। BSc को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा 12th पे रहेगा।
ट्वेल्थ का पोर्शन हमने इलेवेंथ और ट्वेल्थ ओल्ड बुक से हमने कंप्लीट किया, वो करने के बाद हमें साथ में क्या और करना है जो कि हमारी तैयारियों को धार देगा। सबसे पहले उसमें हमें सिक्स बुक करने के बाद हमें यूथ पब्लिकेशंस की एक बुक मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें लोक सेवा आयोग, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के सभी बोर्डों के ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उसमें दिए हुए हैं और विद हिंट दिए हुए हैं, आपको हिंट भी इसके बॉक्स में मिलेगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस को लगातार इन सिक्स बुक को करने के बाद स्टार्ट कर दें। साथ में घटनाचक्र की एक बुक आती है, उसमें आपको टीजीटी पीजीटी स्पेशली यूपी के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सोल्ड पेपर, वो आप साथ में करेंगे। ये दोनों बुक आप प्रैक्टिस के लिए करें, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारे हाथ में है इन दोनों बुक को करने के बाद, प्लस ये सिक्स बुक। अब अगर हमें थोड़ा और बढ़ाना है अपने लेवल को, तो हमें आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव जो आती हैं बुक, उसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पे हमें फोकस करना है। ये बुक आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए होती हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। दोनों बुक को आप करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लें, जितने भी उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हें आप करें। उसके बाद उसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं बहुत ज़्यादा, यानी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आप थक जाएंगे, क्वेश्चन ख़त्म नहीं, इतनी है उसमें। तो आप उससे प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको करना है, बहुत ही उसके अलावा भी कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना करें। लिमिटेड किताबें हों उसी को अच्छे से आप कर लें, तो बहुत अच्छी तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इतना करने के लिए आपको 6 मंथ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करने के लिए ही आपको लगभग 2 से 2.5 मंथ आराम से लग जाएंगे। 6 बुक आप करें, साथ में आप घटनाचक्र करें, साथ में आप यूथ करें, ये करते करते ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा किताबें मार्केट से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा किताबों को खरीद लें, पढ़ ना पाएँ एक भी अच्छे से, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो कम किताबें जो मैंने आपको बताई हैं इतना आप कर लें, सफिशियंट है। इसी से हमारे साथियों ने, खुद मैंने भी अच्छा स्कोर किया, तो अपने ऊपर भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही भरोसा आपको जीत दिलाएगा। सतत आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे हैं, वहाँ पर 2 घंटे में 125 सवाल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, अभ्यास से ही यह संभव है। क्योंकि 125 में से यदि आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है इन पुस्तकों का जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप 30 से 40-45 सवाल आप देखते ही देखते उसके कर पाएंगे, आपको ऐसे ही वो याद हो जाएंगे। उसके अलावा आप आराम से 2 घंटे में उस पेपर को फिर सोल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम 2016 के मैं स्कोर की बात करूं, तो मैक्सिमम स्कोर टीजीटी का 118 था, 118 था। श्री अंकित अग्रवाल जी कासगंज के हैं, उन्होंने ये अचीव किया, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो आपके इस जो आपको सामने ये वैकेंसीज मिलने वाली हैं, मैं अपेक्षा करूंगा, कामना करूंगा कि आप सफल हों और लगातार सर सीपी स्मार्ट क्लासेस के द्वारा आपको सूचनाएं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। सर से मेरी बात हुई, सर ने कहा आप अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहें, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड में, जो तैयारी करना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो उनके कहने पर ही मैंने ये वीडियो बनाया। सीपी स्मार्ट क्लासेस को बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।